विजय कालड़ा जी के कागज़ भरने वास्ते आए हैं तो सारा शहर सारा इलाका जिहड़ा कांग्रेस पार्टी नाल संबंधित है तो हमेशा ये कांग्रेस गुरु साहिब जिहड़ी सीट है कांग्रेस पार्टी की सीट है असी वध तो वध मतलब सीटा मतलब वोटों के नाल कालड़ा साहब जितावांगे तो गेम जिहड़ी है जिहड़ी है कालड़ा साहब की जीत के नॉमिनेशन पेपर फाइल करने आए हैं। इस तो बाद जरा शुरुआत पिंडां दी साड़ी कल तो हो रही है। हर जोन दे विच असीं 15-15 18-18 पिंड जोना कढ़ांगे तो मैनूं उम्मीद है भी असीं 10 दिन दे विच सारे पिंड कवर कर लांगे। शहर के भी साड़ी मुहिम जी जोर से है तो मैं ये तुहानू इस यकीन दवाना है कि ये जी जित कांग्रेस पार्टी की यकीनी है तो कांग्रेस पार्टी सरकार रिपीट कर जा रही है। ये जिहड़ियां विरोधी पार्टियां गल्लां करदे तो बेचारे एवं कागज़ भर के 10-10, 12-12 सीटां जानियां अकाली दल हो भावें बीजेपी तो मैं लगता 2-3 तो रह जानी पंजाब च वह भी शायद कुमाड़ी किस्मत किसी के उधरों मिल जाए इन्हों शहरी एरिए मैं समझदा गुरदासपुर वगैरह वो भी उम्मीद नहीं है। आप वाले 18वीं तो रह जाएंगे तो बाद अगर 20 बेचारे 9 तो अपने आप ही आ गए से हूँ कहने वोटा पाया लोग थोड़ी भी हर बार इलेक्शन कराई जाएंगे ये तो जताई जाएंगे तो कांग्रेस भेजी जाएंगे कहीं अकाली दल भेजे जाएंगे इन्हों का तो भविख माड़ा ही माड़ा है। भाजपा पंजाब सरकार बनाने का दावा कर रही है। देखो दावे कर देने सरकार नहीं बनदियाँ लोगों का रुख की है रुझान की है जिस पार्टी की वजह नाल 750 के करीब पंजाब का अन्नदाता हिंदुस्तान का किसान शहीदियां दे चुका है अज और हूँ मेरा ख्याल तो गलती नहीं करेंगे जी तुम सरकार बनाने की गल करते हो अच्छ कागज़ फाइल करना है तो देखो किसानों कि रोस है मेरा ख्याल तो मसा बचा के कागज़ भरने वास्ते आए तो वोटा कितों पै जाएंगे इन्हों ये तो एवं कह दिया गलों ने लोगों को भरमा दिया गलों ने अं सरकार बना जा रहे हैं ये तो मैं समझ 2-3 सीटा जो आ जाए जो पिछले 17 च आई हैं तो आपकी गनीमत समझ लो वो भी नहीं मिलनी इन्हों।